धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के रीको इंडस्ट्री एरिया में अज्ञात नगाबपोश बदमाशों ने एक कैंटीन संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने कैंटीन संचालक को लोहे के सरियों से इतना मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। बदमाश कैंटीन संचालक को मरा हुआ समझकर उसका मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और घायल के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के गड़पड़ा मोहल्ले के रहने वाले घायल चंद्रप्रकाश बंसल उर्फ राकेश पुत्र महेश चंद्र बंसल ने बताया कि वह रीको इंडस्ट्री एरिया में कैंटीन चलाती हैं, जहां बीती देर रात कैंटीन बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी रुकवाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और मोबाइल छीन लिया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने सरियों से बेरहमी से मारपीट कर दी। हमले में चंद्रप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर गए। इसके बाद बदमाशों ने चंद्रप्रकाश की जेब से पर्स और मोबाइल लेकर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा किए गए हमले में चंद्रप्रकाश के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने के कारण परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और बदमाशों को चिन्हित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना इलाके में रीको एरिया में श्री चंद्रप्रकाश जी कैंटीन का कार्य करते हैं, कैंटीन चलाते हैं, उनके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है और मोबाइल छीना, पर्स आदि ले जाने की घटना चंद्रप्रकाश जी ने बताई। पुलिस तत्परता से श्रीमान सीआई साहब एसएचओ साहब मौके पर पहुंचे और एडमिट कराया। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। अभी कुछ बदमाशों को चिन्हित किया है, इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि चिन्हित कर उन्हें पकड़ा जाए। चिन्हित किए हैं, उसको पकड़े जा रहे हैं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर परिसर में उस समय भगदड़ मच गई जब एक कार ड्राइवर एक कार को लेकर अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचा तो घायल के परिजनों ने कार पर पथराव कर दिया। पथराव को देखकर ट्रोमा सेंटर परिसर में खड़े मरीजों के परिजनों में भगदड़ मच गई और परिजन अस्पताल के अंदर घुसकर छिप गए। वहीं एक्सीडेंट में घायल युवक को लेकर पहुंचा कार ड्राइवर भी डर के मारे अस्पताल के अंदर ही छिपा रहा। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय भगवान सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी पुराना शहर को भामतीपुरा के पास एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कार ड्राइवर खुद ही कार से अस्पताल लेकर पहुंचा था। कार ड्राइवर ने घायल के परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया और कार ड्राइवर ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद परिजन ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और बाहर खड़ी कार में पथराव शुरू कर दिया। घायल के परिजनों का गुस्सा देखकर कार ड्राइवर मौके पर ही कार छोड़कर भाग निकला। जिला अस्पताल में पथराव की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने घायल भगवान सिंह के बयान लिए और परिजनों की शिकायत पर पुलिस कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर रही है। साथियों के साथ पोस्टर विमोचन किया। साथियों ने विश्वास दिलाया कि हम सब आगे आकर रक्तदान करेंगे और हम सभी अपने युवा साथियों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर दिनेश चंद्रनगर अध्यक्ष बाड़ी, अजय सिंह परमार पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, शुभम परमार जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा धौलपुर, संजय परमार मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा बाड़ी, दीपक शर्मा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा बाड़ी, सौरभ परमार, महावीर कुशवाहा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगरपालिका बाड़ी के ठेका सफाई कर्मचारियों की एक बैठक गांधी पार्क में बंटी वागड़ी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग रखकर नगरपालिका बाड़ी के ठेका सफाई कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मौजूद यूनियन के बैनर तले बंटी वागड़ी की अध्यक्षता में सफाई मजदूरों की मांगों को लेकर ज्ञापन श्रीमान SDM साहब, श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बाड़ी, श्रीमान चेयरमैन साहब नगरपालिका बाड़ी को दिया। साथ ही प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर, श्रीमान निदेशक महोदय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली तथा संगठन के पदाधिकारी श्रीमान एडवोकेट गुड्डू संजय वाल्मीकि, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई मजदूर कर्मचारी यूनियन एवं संस्था के रिद्धि सिद्धि प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन सिंह थनवार को भेजी गई। इसमें बताया गया नगर पालिका बाड़ी में वर्षों से सफाई का कार्य कर रहे इन सफाई कर्मियों का ठेकेदारों द्वारा वर्षों से शोषण किया जा रहा है। इनसे पूरे माह सफाई का कार्य कराया जाता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इतने कम वेतन मिलने के कारण महंगाई के दौर में इनका परिवार का खर्चा उठा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इनका पेट पालन भी नहीं हो पा रहा है, जिससे इन ठेका सफाई कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ठेकेदारों द्वारा नगरपालिका बाड़ी के 45 वार्डों की सफाई के लिए सफाई कर्मी बहुत कम नियुक्त रखे हैं। 4 सफाई कर्मचारियों के कार्य को एक ही कर्मचारी से कराया जा रहा है। उक्त कर्मचारियों को सफाई का क्षेत्र अधिक दे रखा है, इस कारण नौकरी एक और कार्य पूरा परिवार करता है। मैं पति पत्नी और बच्चों के कार्य करते हैं, तब
जाकर वो सफाई का कार्य हो पाता है। इस तरह नगर पालिका द्वारा हमारे ठेका सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन इसका विरोध करता है। प्रशासन को अवगत कराया जाता है कि 7 दिनों के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो सफाई कर्मचारी का शोषण ना हो सके। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के खेरली गांव में एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की है। तबीयत बिगड़ने पर पियर से उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कोलुआपुरा निवासी सुमन की भाभी कलावती ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी ननद की शादी 1 साल पहले खेरली गांव के रिंकू के साथ हुई थी। शादी के बाद रिंकू मुंबई में नौकरी करने चला गया था। वह 5 दिन पहले ही गांव वापस आया था। दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था। रिंकू ने अपनी पत्नी सुमन के गले में साफी डालकर उसका गला घोंट दिया। सूचना मिलते ही पियर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और सुमन को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सुमन का अस्पताल में इलाज जारी है।